बस दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है, तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि अब से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कैसा लग रहा है आपको सुनने में? आई होप आपके बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इस वीडियो का जो थंबनेल है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, कि क्योंकि आपको भी पता है कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है बहुत ज़रूरी होता है पीएफ के काम के रिगार्डिंग होके। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक, जब भी आप समझ पाएंगे और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ये होता है कि आपका ऐसा करेक्शन जो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, सिंपल में उसके लिए आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है करेक्शन करा सकते हैं, जैसे नेम है, फादर हस्बैंड नेम है, पीएफ ईपीएस अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ जॉइनिंग एंड डेट ऑफ लिविंग है। लेकिन जो भी करेक्शन यहाँ पे है वो आपका मेजर करेक्शन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। माइनर करेक्शन के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट मेजर करेक्शन के लिए आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। बट आप बोलेंगे तो अभी तक वीडियो में आपने ये बोला कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत उस चीज़ ज़रूरत जब नहीं है जब माइनर करेक्शन हो, क्योंकि मुझे, मैं पीएफ के काम करता हूँ तो मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो है मुझसे क्वेरी करते हैं और कंसल्टिंग लेने के बाद नहीं ये पता चलता है कि उनका माइनर करेक्शन है। तो मुझे ये बोलना होता है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप आधार मॉडिफिकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पूछेंगे, आपको एक सवाल ये रहेगा कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि माइनर करेक्शन क्या है और मेजर करेक्शन क्या है, तो उसके लिए वीडियो शुरू आने वाली जिसमें आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा कि किस सिचुएशन में ओके आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर दैट आपको एक ही काम करना है, डू सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।